ग्रेट चैपल वीवर्स लक्ष्मण से पूछते हैं, वॉज इट लाइफ थ्रेटनिंग, यानी वो इंजरी ऐसी थी कि उससे आपकी जान चली जाती, ये क्वेश्चन उन्होंने वीवर्स लक्ष्मण को पूछा। तो वीवर्स लक्ष्मण तो एकदम शॉक हो गए कि ये क्या पूछ रहे हैं। ग्रेग चैपल एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, महान बल्लेबाज लेकिन थोड़े अलग है, और अभी भी इंडियन क्रिकेट में उनकी यादें निकालते हैं लोग। बहुत न्यूज़ की थी इंडिया में आके, बहुत कम समय के लिए इंडियन कोच थे। तो ये स्टोरी है, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ग्रेग चैपल क्या चीज़ है, यानी क्रिकेट की बातें अगर बैटिंग की बातें सुननी हो तो उनसे बेहतर कोई है नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बातें होती है या उनको जब एकेडमी का कोच बनाते हैं, इंडियन टीम का कोच बन गए थे वो, तो जब इंसानों के साथ काम करना होता है तो वहाँ पर थोड़े से मिसफिट लगते हैं मुझे। तो ये थी इंडिया जिम्बाब्वे की टेस्ट मैच, ग्रेग चैपल कोच, और टेस्ट मैच चल रही है ग्राउंड पे, हरारे ग्राउंड होता है, क्लब क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर। तो मैच चल रही है और ग्रेग चैपल दो तीन सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स को लेके, एक छोटा ग्राउंड होता है हमेशा बड़े ग्राउंड के, वहाँ पर प्रैक्टिस को चले गए। एक 30-40 मिनट के बाद वापस जब आ रहे थे तो वही मेन ग्राउंड से चल के उनको ड्रेसिंग रूम में जाना था। तो जाते जाते उन्होंने देखा कि मैच में एक सब्स्टिट्यूट फील्डर इंडिया का स्लिप्स में फील्डिंग कर रहा है और उन्होंने एक कैच ड्रॉप किया। तो ग्रेग चैपल ने नोटिस किया वो और अपने दिमाग में सोचने लगे कि ये फील्डर सब्स्टिट्यूट क्यों ग्राउंड पे, कौन है जो बाहर आया। और जब अंदर चले गए तो उन्होंने देखा कि वीवीएस लक्ष्मण कॉफ़ी पी रहे थे। तो जाहिर है थोड़ा सा उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने पूछा वीवीएस को कि फील्ड पे क्यों नहीं हो तुम। तो वीवीएस ने कहा कि उनको चोट लगी थी तो सिर्फ बर्फ लगाने के लिए आए थे और जस्ट जाने के पहले एक दो सिप कॉफ़ी के ले रहे थे। तो ग्रेग चैपल वीवीएस लक्ष्मण से पूछते हैं, वॉज इट लाइफ थ्रेटनिंग, यानी वो इंजरी ऐसी थी कि उससे आपकी जान चली जाती, ये क्वेश्चन उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण को पूछा। तो वीवीएस लक्ष्मण तो एकदम शॉक हो गए कि ये क्या पूछ रहे हैं। उन्हें पूछा वॉज इट लाइफ थ्रेटनिंग, और अगर लाइफ थ्रेटनिंग ना हो तो कभी ग्राउंड से बाहर नहीं आना। तो ये थे ग्रेग चैपल, ये इनका अप्रोच था। शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वो जब कप्तान थे ऐसा ही अप्रोच होगा, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट फील्डर को बाहर जो भेजा गया था, कैजुअली इंडियन क्रिकेट में होता है, भाव बहुत सारी टीमों में होता है, लेकिन उनके लिए वो बहुत ही बड़ा डील था, और ऊपर से वो सब्स्टिट्यूट ने कैच भी छोड़ा था। तो उन्होंने देखा नहीं आगे पीछे, वीवीएस लक्ष्मण जो एक बहुत ही सीनियर प्लेयर थे उनको सीधा ये उन्होंने पूछा।